अब छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ भी हड़ताल करने से पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बात करें कटघोरा की तो यहां भी जिला के नेतृत्व में वन मंडल कार्यालय के समीप वन कर्मियों की हड़ताल जारी है, जहां आज हड़ताल का दूसरा दिन है। हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में वन कर्मी शामिल रहे। बता दें कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था रायपुर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन कर्मियों के हितों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वन कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से जंगल हुए भगवान भरोसे, वहीं तस्करों भूमाफियाओं की हुई दिवाली। अगर वन कर्मियों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार के कानों पर जुलाए नहीं रहेंगी तो वन कर्मी आगे की रणनीति तैयार कर आंदोलन को बड़ा रूप दे सकते हैं। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ रायपुर के प्रांतीय निकाय के आह्वान पे हम लोग जिला शाखा कोरबा के सभी कर्मचारी वन कर्मचारी इस धरना पे बैठे हुए हैं। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 सूत्री मांगों के पूरा करने के लिए किया गया है। 12 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से हमारा जो कर्मचारियों से 2003 से 3050 का वेतन मान निर्धारित था, उसे अभी पुनरीक्षित करके कर्मचारियों से वसूली किया जा रहा है। उसके विरोध में उसे तत्काल बंद कराया जाने हेतु और अपना वेतन मान सुधार करने हेतु वेतन विसंगति दूर करने के लिए किया जा रहा है। सरकार से और किस तरह की मांगे आप लोग? सरकार से प्रमुख और 10 और मांगे हैं इन दोनों मांगों के अलावा। 10 मांगों में जैसे हाथी प्रोटेक्शन फोर्स का गठन है, डिपो में जो कर्मचारियों से वसूली किया जा रहा है वन उपज कमी का, उसे राइट अप करने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, इन सब कुल 12 मांगों में। आप लोग तो मांगे समय पर पूरी नहीं होती है, तो आप लोग का आगे क्या कदम है? यदि हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे। हमारा सभी कर्मचारियों का मुझे मनोबल प्राप्त हुआ है मेरा पूरा जिला से कि हम वापस नहीं आएंगे, और प्रांत से भी ऐसा ही हमें निर्देश मिला है कि हमें वापस नहीं आना है। जब तक हम कोई मांग लेंगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ अपने 12 सूत्री मांगों को लेके यहाँ आज उपस्थित हुए हैं सभी कोई हड़ताल के लिए। और हमारी 12 सूत्री मांग है, जिसमें से हमारा सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति का। तो हम इस हड़ताल को हमारे माननीय उच्च मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें और जल्द से जल्द हमें खुशी दें। आप लोग को क्यों करना पड़ रहा है धरना आंदोलन, क्या वजह है? धरना आंदोलन का वजह यह है कि हमारे कुछ मांगे हैं जो कि पूर्व में आपको अवगत करा चुके हैं हमारे वरिष्ठ जन, उस मांगों को लेके हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी मांगे, हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे को पूरी करें। एक मिनट, जैसा कि अभी आप सभी वन कर्मी हड़ताल में बैठे हुए हो, तो वनों की रक्षा कौन करेगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन उच्च अधिकारी। बड़ा मुद्दा है कि हमको वेतन विसंगति दूर करना है। 24 आवर्स हम महिला होते हुए भी 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, जो कि अन्य विभागों से हमारा वेतन कम है। इसलिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा वेतन विसंगति दूर किया जाए, और जब तक हमारा जो 12 सूत्री मांग है वो पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.